डीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर, कोरोना से जूझते इस संकट की घड़ी में डीपीएस अजमेर पेरेंट्स के हित में दे रहा है एडमिशन पर आकर्षक छूट, साथ ही स्कॉलरशिप और मंथली फीस पर 20% की छूट। इसके साथ ही बस व अन्य किसी प्रकार का शुल्क अब नहीं लिया जाएगा। डीपीएस अजमेर सीनियर सेकेंडरी स्कूल तभी जी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के महत्वाकांक्षी योजना इंदिरा रसोई का शुभारंभ अजमेर में कल सुबह 9 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा। कोई भी भूखा न सोए की अवधारणा को साकार करने की नियत से लागू की जा रही इस योजना के तहत अजमेर नगर निगम क्षेत्र में 9 स्थानों पर इंदिरा रसोई का संचालन किया जाएगा, जबकि किशनगढ़ और ब्यावर में 3-3 स्थानों पर यह रसोई कल से संचालित की जाएगी। इसी के साथ पुष्कर, नसीराबाद, सरवाड़, केकड़ी और विजयनगर में 1-1 स्थान पर इंदिरा रसोई के संचालन की योजना बनाई गई है। अजमेर नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी खुशाल यादव के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा के अनुरूप सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस योजना के तहत अजमेर जिले में लगभग 6,000 लोगों को प्रतिदिन 2 समय का भोजन रियायती दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए लाभार्थी को 1 समय के भोजन के 8 रुपये का भुगतान करना होगा, जबकि अनुदान के रुपए में 12 रुपये का भुगतान राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। अजमेर नगर निगम क्षेत्र में पड़ाव गांधी भवन रेलवे स्टेशन के पास दहली गेट, रोडवेज बस स्टैंड, जेएलएन हॉस्पिटल, कोटड़ा, जनाना अस्पताल, शास्त्री नगर, चुंगी चौकी व हरिभाव उपाध्याय नगर के स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां यह रसोई संचालित की जानी है। ऑनलाइन मॉनिटरिंग की व्यवस्था राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप इंदिरा रसोई घर को ऑनलाइन मॉनिटरिंग से जोड़ा गया है। यहां हर लाभार्थी की रियल टाइम फोटो के माध्यम से काउंटर पर निर्धारित राशि के भुगतान के बाद भोजन कूपन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए इंदिरा रसोई घर को सीधे स्टेट डाटा सेंटर से जोड़ा गया है। साथ ही भोजन की गुणवत्ता की जांच समय समय पर फूड सेफ्टी ऑफिसर द्वारा किए जाने की व्यवस्था भी की गई है, ताकि लाभार्थी को ताजा भोजन उपलब्ध करवाया जा सके। राज्य सरकार की मंशा है कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, उसी को चरितार्थ करने के लिए इंदिरा रसोई की परिकल्पना की गई है। इसके अंदर प्रत्येक व्यक्ति को जो भी उस रसोई पर आता है तो उसको 1 समय में ऐसे 300 व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा सकता है। वो केवल 8 रुपये देकर भरपेट भोजन प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए अजमेर नगर निगम के अंदर 9 जगहों को चिन्हित किया गया है। इसके अलावा किशनगढ़ और ब्यावर के अंदर 3-3 रसोई, उसके अलावा जो हमारी नगर पालिकाएं हैं उसके अंदर 1 रसोई ईच, और यथासंभव जितने भी मेजर कॉन्ग्रीगेशन है जहां पर भी लोगों का आना आवक जावक ज़्यादा रहती है, जैसे आपका बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, हॉस्पिटल्स हैं, इन एरियाज़ को कवर किया गया है। और इस पर ध्यान दिया गया है कि लोगों को सम्मान के साथ गर्म ताज़ा पौष्टिक आहार मिल सके, जिसके अंदर 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सीजनल वेजिटेबल, उसके अलावा गरम रोटियां, चपाती, अचार, इन सब की व्यवस्था की गई है। और सारी की सारी व्यवस्था ऐसी डिज़ाइन की गई है कि इसके अंदर इफ़ेक्टिव मॉनिटरिंग हो सके, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के ऊपर नज़र रखी जा सके। CMHO की टीम भी इसकी मॉनिटरिंग करेगी, ज़िला स्तरीय जो कमेटी है वो भी औचक इसका निरीक्षण करेगी। इसके अलावा स्टेट्स के द्वारा रेगुलर IT बेस्ड रियल टाइम मॉनिटरिंग इसकी की जाएगी, और निगम स्तर पर हमने इसका प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए हर रसोई के ऊपर 1-1 अधिकारी नोडल नियुक्त कर दिया गया है। कोई भी अगर इश्यूज होते हैं तो हमारे ध्यान में लाए जा सकते हैं, कोई भी अगर इश्यूज शिकायत हैं तो उसको तुरंत एड्रेस कराया जाएगा। और इन सभी संस्थानों में से कोई एक रसोई का कल CM साहब के द्वारा इनॉग्रेशन भी किया जाएगा। जगह का चिन्हितकरण बेसिकली जहाँ पर भी लोगों की फुटफॉल ज़्यादा रहती है, जहाँ पर भी मेजर एरियाज हैं, जैसे मजदूर चौखुटी है या बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, अपने हॉस्पिटल्स हैं, तो उन स्थानों को लेके किया गया है जहाँ पर रसोई के अंदर, क्योंकि हम उसमें 5 लाख का हमने इन्वेस्टमेंट किया है, हमने वहाँ पर डेवलप किया है साइट को, वहाँ पर किचन डेवलप किया है, वहाँ पर बैठने का एरिया बनाया है, उनको हमने साथ के साथ वन टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमने उनको प्रोक्योरमेंट करके फ्रिज, गैस, इन सब की व्यवस्था की है। तो जगह ऐसी चिन्हित की गई है कि वहाँ पर लोग उस संख्या में आए भी तो एक तरीके से रसोई सक्सेसफुल हो सके, और वो आने वाली 3 साल के लिए जो हमने ये करार किया है संस्था के साथ,
तो वो 3 साल तक के लिए सक्सेसफुल हो सके। पैकिंग कोई मसला नहीं है, जो योजना के अंदर डायरेक्शंस मिले हैं वो ये कि वहाँ पर व्यक्ति को बैठा कर ससम्मान टेबल चेयर के साथ उनको भोजन सर्व करना है। अभी एज ऑफ नाउ इसके अंदर कोई टेकअवे की व्यवस्था नहीं है,